नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सलोनी है। दी ऑटरिंग में आपका स्वागत है। तेजी से फैल रहे दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट, इजराइल बेल्जियम से भी मिले संक्रमित। WHO ने कहा नए वेरिएंट का असर समझने में कुछ हफ्ते लगेंगे। दक्षिण अफ्रीका में मिला कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से दुनिया भर में फैल रहा है। हांगकांग और बोत्सुलोवा के बाद शुक्रवार को इजराइल और बेल्जियम में भी नए वेरिएंट से संक्रमित लोग मिले हैं। इसमें पहले WHO ने नए वेरिएंट पर दिन में इमरजेंसी मीटिंग की। बेल्जियम से इजिप्ट से तुर्की होते हुए अपने देश लौटी एक युवती में 11 दिन बाद लक्षण दिखाई दिए, जबकि इजराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक विदेश में आए 3 लोग ने नए वेरिएंट के लक्षण मिले हैं, जिन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। बेल्जियम के PM अलेक्जेंडर डी क्रू ने नए वेरिएंट के मिलने के बाद देश में नाइट क्लब 3 हफ्ते के लिए बंद कर दिया, जबकि बार रेस्टोरेंट को भी खोलने का समय नियमित और सीमित कर दिया गया। उधर फ्रांस में 40 घंटे के लिए दक्षिण अफ्रीका से आने वाली सभी उड़ानों को सस्पेंड कर दिया गया। फ्रांसीसी स्वास्थ्य मंत्रालय ओलिवर वेयर ने शुक्रवार को कहा है कि अफ्रीकी देशों में कोरोना का नया वेरिएंट मिलने के बाद कुछ फैसले लिए जा रहे हैं। WHO की बैठक के बाद ऑर्गेनाइजर के प्रवक्ता क्रिश्चियन लिंडमेयर ने कहा है कि शुरुआती एनालिसिस से पता चल रहा है कि इस वेरिएंट में कई म्यूटेशन हो सकते हैं। इसकी और स्टडी करने की ज़रूरत है। हमें इसका असर समझने के लिए हफ्ते लगेंगे। रिसर्च इसे और ज़्यादा समझने पर काम कर रही हैं। शुक्रवार की मीटिंग के बाद नए वेरिएंट के बारे में WHO सरकारों के लिए गाइडलाइंस जारी करेंगे, जिसमें वे आगे का एक्शन लेने के लिए मजबूर करेंगे। हांगकांग तक पहुंच गया नया वेरिएंट। दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में मिले कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर खतरा बढ़ रहा है। ब्रिटिश साइंटिस्ट ने बताया है कि बोत्सवाना में मिले नए वेरिएंट को लेकर चेतावनी दी है, जिसमें 30 म्यूटेशन हो रहे हैं, जिस वजह से वैक्सीन में इसके खिलाफ कारागार नहीं है। यह वेरिएंट अपने स्पाइक प्रोटीन में बदलाव कर काफी तेजी से फैल रहा है। भारत के लिए खतरे की बात यह है कि हांगकांग तक पहुंच चुका है ये वेरिएंट। दक्षिण अफ्रीका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफेक्शियस डिसीज ने बताया है कि देश में वेरिएंट में अब तक 22 केस मिले। वैज्ञानिकों ने इसे B1529 नाम दिया है। इसमें वेरिएंट ऑफ सीरियस कंसर्न बताया। WHO ने के मुताबिक कोरोना मामले की तकनीकी प्रमुख डॉक्टर मारिया बॉन कारोवो ने कहा, हमें यह वेरिएंट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। मल्टीपल प्रोटीन और मल्टीपल प्रोटीन की वजह से वायरस में बेहिसाब से बदलाव हो रहा है और ये चिंता की बात है। और वहीं NICD के एक्टिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर एड्रियन पुरेन ने कहा है कि हमें दक्षिण अफ्रीका से नए वेरिएंट मिलने की वजह से कोई हैरानी नहीं है। हालांकि अभी डेटा सीमित है, लेकिन हमारे स्वास्थ्यकर्मी और साइंटिस्ट लगातार काम कर रहे हैं। वो ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वेरिएंट कहां से शुरू हुआ, वहां कहां से फैला और कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। हमें लगातार लोगों को सलाह और चेतावनी देनी चाहिए ताकि वो कोरोना संक्रमण से बचे रहे। भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि जो लोग विदेश से आ रहे हैं उनकी ट्रैकिंग करनी चाहिए। अगर कोई दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और हांगकांग से आता है तो उसकी जाँच पूरी तरीके से करनी चाहिए, जिसके सैंपल तत्काल ही जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेज देना चाहिए। ब्रिटेन का सख्त रुख। ब्रिटेन ने नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए अफ्रीका के 6 देशों में आने वाली फ्लाइट पर फिलहाल रोक लगाने की मांग की। इसमें दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, लिसोथो और एवेंटिना शामिल हैं। ब्रिटेन के हेल्थ सेक्रेटरी जायद वाइद ने कहा, देश की हेल्थ एजेंसी नए वेरिएंट की जांच कर रही है। हमें और डेटा की ज़रूरत है, लेकिन इससे सावधानी बरतना होगा। इन 6 अफ्रीकी देशों को रेड अलर्ट में डाल दिया और ब्रिटेन आने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन में रखा। भारत में अलर्ट जारी। हांगकांग, बोत्सवाना और इजराइल में आने वाले यात्रियों की जांच के लिए सभी एयरपोर्ट को निर्देश दिए गए। केंद्र सरकार ने राज्यों को विशेष सतर्कता बरतने के लिए निर्देश दिए। राज्यों ने कहा गया है कि दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग, बोत्सवाना और इजराइल से आने वाले यात्रियों की रक्षा करना जरूरी है। किसी भी तरीके से लापरवाही ना की जाए। हांगकांग में दोनों केस हुए नए वेरिएंट के। साउथ अफ्रीका से हांगकांग पहुंचे लोगों में भी नए वेरिएंट के संक्रमण पाए गए। नए वेरिएंट सबसे ज्यादा रीगल एयरपोर्ट होटल में ठहरे 2 लोगों में पाया गया।
हांगकांग के सेंटर ऑफ हेल्थ प्रोस्पेक्ट्स के मुताबिक जांच में पता चला कि दोनों मामले नए वेरिएंट के ही हैं। पहले शख्स ने एयर वॉल्व वाला मास्क पहना और इसी मास्क की वजह से दूसरे शख्स में वायरस का संक्रमण हुआ। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिले हैं। मुद्दे की बात यह है कि इसकी वजह से पूरे देश में 100 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस वेरिएंट के सामने आने के बाद दक्षिण अफ्रीका की सरकार निजी लेबोरेटरी के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर वेरिएंट से संक्रमित लोगों की खोजबीन कर रही है। अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि यह कितना ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी की द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन डिसीज के मुताबिक यह संक्रमित हो सकता है। इधर भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने निर्देश जारी किए हैं कि भारत आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सघन कोरोना की जांच की जाए। NICD ने बताया है कि इस नए कोरोना वेरिएंट का नाम है B11529। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने NGSSA के सदस्य सरकारी प्रयोगशाली और निजी प्रयोगशालाओं को तत्काल जीनोम सीक्वेंस करने की सलाह दी ताकि यह पता चल सके कि यह वेरिएंट कितना संक्रमित, कितना खतरनाक और दुष्प्रभावी है। भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट के मामले काफी तेजी से बढ़ रही हैं। वीजा संबंधी और देश में आने संबंधी छूट की स्थिति में देश में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बढ़ सकती। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बनने के लिए बहुत धन्यवाद।